आगे बढ़ते हैं ग्वालियर से खबर, जहां नए साल पर लोगों में उत्साह नजर आया और पर्यटन स्थल पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ग्वालियर जू में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। नए साल की शुरुआत लोगों ने अपने अपने तरीके से की है। पर्यटक स्थलों पर लोग पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में। क्या कुछ तस्वीरें हैं ये हम देखने की कोशिश करेंगे। संवाददाता प्रहलाद सेन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रहलाद, नए साल का पहला दिन, बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, पर्यटन स्थल पर पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसे में ये देखना जरूरी होगा क्या कोविड गाइडलाइन का पालन की तरफ से किया जा रहा है। देखिए जया, आप तस्वीरें देख सकते हैं, नए साल का पहला दिन है और इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के गांधी प्राणी उद्यान, जिसे चिड़ियाघर भी कहते हैं। आप सामने की तस्वीरें देखिए, किस तरह से लोगों का जो हुजूम है वो उमड़ा है। हजारों लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं और सैलानी जो हैं वो आप देख सकते हैं कहाँ इसमें गुंजाइश ही नहीं है कि कहीं से कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो पाए, क्योंकि उत्साह इतना ज़्यादा है। ये अकेले यहीं की तस्वीर नहीं है, अगर हम और अन्य प्लेस पे चले जाएं, चाहे वो ग्वालियर फोर्ट की बात कर लें या सूर्य मंदिर की बात कर लें, सभी जगह इसी तरीके से लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने मास्क पहना हुआ है। कोशिश की जा रही है, यहाँ प्रबंधन के द्वारा भी कोशिश की जा रही है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए। आप देख सकते हैं अनाउंस किया जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है कि दूरी बनाकर रखें, लेकिन बावजूद इसके जो उत्साह उमंग आप देख रहे हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे, घरों से लोग निकले हुए हैं। मैम, आज पहला दिन किस तरीके से इंजॉय करने निकले हैं? अभी तो भैया पब्लिक इतनी है तो अंदर चले आए वही बहुत है, मतलब भीड़ ज़्यादा है तो मन पे असर पड़ा है। हाँ, बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि घर वापस चले आए, नहीं जाना अंदर, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ। बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर जया, आपने सुना कि किस तरीके से लोग कतार में लगकर अंदर जाने के प्रयास में हैं, लेकिन फिर भी उनको उनका मौका नहीं लग पा रहा है, इसलिए कुछ लोग वापस भी जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में वया करती हैं कि किस तरह से लोगों में उत्साह और उमंग है। यही वजह है कि ये पूरा का पूरा क्राउड जितना अंदर दिख रहा है, कमोबेश उतना ही अंदर भी इसी तरीके का नज़ारा हमें दिखाई दे रहा है। और बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इनसे भी, घूमने निकले हैं परिवार के साथ, आज के दिन एंजॉय कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा एंजॉय कर रहे हैं यार, क्या भीड़ इतनी हो रही है, डर भी लग रहा है कोरोना का, बच्चे मानते नहीं है, बच्चे नहीं मानते। तो जया, लोगों का यही कहना है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है और बच्चों ने जिद की इसलिए घर से निकल आए, डर उन्हें भी है कोरोना का, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि आज का जो दिन होता है बेहद महत्वपूर्ण होता है, साल की शुरुआत हो रही है, इसलिए लोग चाहते हैं कि वो अपने परिजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, मिलने जुलने वालों के साथ इस दिन को एंजॉय करें, आनंद उठाएं। यही वजह है कि ये इतनी सारी भीड़ जो आपको नजर आ रही है। जया, देखिए बिल्कुल प्रहलाद, आज का दिन बेहद खास है, लोग अपने अपने तरीके से आज के दिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बार बार अपील की जा रही है कि बेफिजूल आपको भीड़ वाली जगह पर जाने से बचना है, लेकिन वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। और देखिए तस्वीरें बेहद डराने वाली भी एक तरह से इसे प्रहलाद हम कहेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है और गिने चुने लोगों के चेहरे पर ही मास्क इस वक्त नजर आ रहे हैं। आप बिल्कुल, लोगों ने कोशिश तो की है, क्योंकि डर तो उन्हें भी है, दूसरी लहर सभी ने देखी है, लेकिन फिर भी जितना क्राउड है उम्मीद से ज्यादा भीड़ यहाँ पर पहुंची हुई है, तो ऐसे में कोविड गाइडलाइन का पालन हो पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो प्रबंधन है, चिड़ियाघर प्रबंधन है, वो कोशिश कर रहा है, प्रशासन और पुलिस मिलकर लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तो ही आप भीड़ जुटाइए, अन्यथा अपने अपने घर वापस चले जाइए। हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ जो प्रबंधन के लोग हैं, डॉक्टर उपेंद्र जो चिड़ियाघर के डॉक्टर हैं, उनसे जान लेते हैं। बहुत भीड़ आ गई है, किराया भी बढ़ा दिया है, फिर भी देखिए बड़ा उत्साह है, क्योंकि टाइगर के बच्चे भी हुए हैं और चिड़ियाघर में काफ़ी एनिमल्स हैं, चिड़ियाघर में काफ़ी एनिमल्स हैं और जिसको सैलानियाँ देखने आ रहे हैं, ग्वालियर के लोग ग्वालियर से बाहर भी आ रहे हैं। हम लोगों ने जो किराए की दर है वो भी बढ़ चुकी है, एडल्ट के लिए 50 रुपये है और बच्चों के लिए 30 रुपये है, लेकिन फिर भी उत्साह कम नहीं हो रहा, काफ़ी भीड़ है, उसको मैनेजमेंट पूरी तरह से कवर कर रहा है। किस तरह से मशक्कत करनी पड़ रही है? काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, इवन आप देख रहे हो पूरा चिड़ियाघर प्रबंधन लगा, हम लोग भी बाहर खड़े हुए हैं, वो पूरी व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। अच्छा, उम्मीद थी कि इतना भीड़ आएगी? नहीं, उम्मीद थी, लेकिन थोड़ा लग रहा था कि कम आएगी, लेकिन ज्यादा हो गई है भीड़। तो
जया, चिड़ियाघर प्रबंधन का भी यही कहना है, एकदम से जन सैलाब उमड़ आया है, नए साल का उत्साह उमंग, उसी के चलते इस तरह से जो व्यवस्थाएं थोड़ी सी चरमराई हुई हैं। जया बिल्कुल उत्साह और